सो हेलो गाइज। अरे वेट यार, ऐसे थोपड़ा देख के स्किप मत कर देना वीडियो। ओके, टेन की स्पेशल ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं पागल थोड़ी ना हूँ या फिर हूँ पता नहीं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, 10K सब्स। 1 मिनट, तुम चेक। ओ वेट, 13K हो गया। सॉरी वीडियो लेट है, बट टाइटल नहीं बदलने वाला मैं। 10K स्पेशल सब्स वीडियो है, तो 10K स्पेशल वीडियो ही रहने देते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, 10K सब्सक्राइबर्स आपने करा दिए, और अभी जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो 13K हो गए हैं, और जब आप लोग देख रहे हो तो शायद 14K हो जाए। अब इतना भूत की तरह सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़ रहा मुझे खुद नहीं पता, बट बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये कॉन्ग्रेचुलेशन एज अ वीडियो है, और ये ऐसा थोपड़ा मेरा वीडियो में स्टार्टिंग में देख के ये मत सोचना कि ऐसे मैं बोलने वाला हूँ। बहुत अभी चीज़ और भी आने वाला, बस इंट्रो दे रहा हूँ मैं, लेकिन और भी जगह मेरा थोपड़ा है, बट ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सो इन स्टार्टिंग सबसे पहले फिर से यार थैंक यू सो मच। मतलब यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 2 साल के बाद अचानक से 1 हफ्ते के अंदर 10K सब्स, एंड अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो शायद 14K तक हो गए हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना खुशी, और भाई सब सो मच आप ही लोगों की बदौलत आज ये केक कटिंग हो रहा है, एंड आप ही लोगों की बदौलत आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे। एंड कुछ मैंने गलतियाँ कर रखी है, और कुछ मुझे एक्सप्लेन भी करना है अपने वीडियोज़ के बारे में, तो वो किसी और में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो अभी हम जश्न मना रहे हैं यार, उसमें क्या बातें करते हैं। तो खासकर मैं वॉइस डबिंग तो अभी कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे बातें करता तो लाइक आधे सुपर लोग तो मुझे ऐसे देखते जैसे किसी और प्लेनेट से आया हूँ, और आधे सुपर लाइक बंदर की तरह ऐसे हंसते, लाइक मेरे को शर्म आता इतना समझ लो। सो दैट्स वाई मैं वॉइस डबिंग कर रहा हूँ बाद में। एंड कुछ लोग अभी बाहर भी हैं और कुछ लोग अंदर, एंड सभी को पता होगा कि उस दिन बहुत बारिश हुई थी 24 आवर्स, एंड दैट्स वाई केक का हाल ऐसे है, क्योंकि जो केक मंगाने वाले थे हम लोग। वेट अ मिनट, पहले इन लोग से बातें कर लेते। हेलो हेलो, देखा तो, अरे वाह। वैसे ये लोग मेरा वॉइस नहीं सुने होंगे क्योंकि मैं बात बैठक कर रहा हूँ। तो जो मैंने केक मंगाया था वो बारिश में 24 आवर्स की वजह से गोरखपुर में ही रह गया, एंड दैट्स वाई हमें ये बर्थडे केक मिला। बट कोई ना, हमें काटना था 10K पे ही। हाँ हेलो हेलो, तो 10K पे ही हमें, हाँ हेलो हेलो ब्रो, हाँ सुनने थोड़ी वाले तुम लोग। और ये लोग फेस भी रिवील कर दिया मॉम का 10K पे, और क्या चाहिए। तो लाइक तो इसी पर बनता है, एंड इसी की वजह से यार केक नहीं मिल पाया। ओके फाइनली मैंने वर्ड पूरा बोला, तो केक नहीं मिल पाया तो देखो क्रेजी शुभ और ये सब लिखवा लिया। एंड फिर बाद में मैंने वो डिज़ाइन उजाइन मैंने खुद बदला, एंड फ्रूटी है तो क्या ही कारण। और इतने लोग ही आ पाए, और जितने मेरे फ्रेंड्स थे, समझ लो फ्रेंड्स में मैंने किसी को भी नहीं बोला। बाकी मेरे मोहल्ले वाले लोग फ्रेंड्स हैं, बट जो दूर दूर फ्रेंड्स रहते हैं, स्कूल वाले फ्रेंड्स यार, जो बचपन के फ्रेंड्स, वो नहीं आ पाए कभी, क्योंकि वो लोग बारिश की वजह से तो मैंने बना बुला पाया। और अभी ये छोटा मोटा है तो यार इसमें क्या बुलाता, जब बड़े पार्टी दूंगा तो आएंगे सब, या फिर नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, दूंगा दूंगा, कमेंट में मत सीट हो जा रहा यार। तो इतने ही लोग आ पाए, मोहल्ले के आधे सुपर लोग हैं और कुछ आसपास वाले लोग हैं, और ये बाहर बारिश अभी भी हो रहा है, बंद नहीं हुआ। ओके सभी को पता ही है। एंड सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कि जज ने मुझे सजा सुना दिया, मैं गुनहगार हूँ, लाइक अब मैं कभी इनसे मिलने नहीं वाला। सब मुझे ही घूर रहे थे यार, पहली बार केक कटिंग कर रहा था, लाइक दूसरी बार लाइफ टाइम में, और सब लोग मुझे ध्यान से देख रहे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया। एंड देखो यहाँ कोई हंसना मत, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये सीएम का आइडिया था कि कैंडल, मैजिक कैंडल लाओ भाई। 10K सब्स में मैजिक कैंडल, वो मतलब भाई यार मुझे नहीं करना चाहिए। गंगोर बेस्टी, ओ बेस्टी, गंगोर बेस्टी, ओ मैंने दे सकता, स्किप कर दो तुम लोग, मैं नहीं दे सकता ये, चलो छोड़ो। सो बुझा नहीं, जितना बुझा था वो भी जलने लगा, तो मैं क्या किया, छोड़ो गया भाड़ में, बुझे ना जरेगा। सबसे पहले केक कट करते मैजिक कैंडल है, अपना जो काम करना है रह करते, मुझे खुद कोई आइडिया नहीं यार क्या करते क्या नहीं। पहले तो मेरा प्लान था कि मम्मी को बुलाऊंगा, साथ में हम लोग केक कटिंग करेंगे, सच में यही प्लान था, बट मम्मी साइड में खड़ी हो गई और सब मुझे घूर के ऐसे देख रहे थे जैसे, फिर से डायलॉग वही मार रहा हूँ ना, चलो चेंज करते हैं। अब सब लोग मुझे घूर के देख रहे हैं तो लाइक मैं क्या करता, तो इसीलिए मैंने केक काट दिया। और मम्मी ने भी लाइक वो भी साइड में ऐसे खड़ी रही, मुझे देखती रही, तो आई वाज लाइक क्या क्या नहीं कि मैं क्या करूँ, अब सब मुझे ही घूर के देख रहे हो। सो इसीलिए केक कटिंग हो गया, एंड फाइनली स्टार्ट। अरे यार दो दो कैमरा मैन है तो थोड़ा एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है मैं एडिटर हूँ, अभी उतना भी ब्रांडेड मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो मैंने केक काफ़ी बड़ा टुकड़ा उठा लिया, मुझे पता है, बट पहली बार कर रहा हूँ ना। ओके गिर गया नीचे, बहुत बाद में पिटने वाला हूँ मुझे पता है। वीडियो मस्त लेते हैं क्योंकि बाद में तो पिटने वाला हूँ, केक गिरा दिया मैंने। ओके सो अभी इंजॉय करते हैं, बाद में पिटने वाला हूँ। ओके थोड़ा एटीट्यूड, सॉरी थोड़ा फेम ले लेते हैं। ओके चलो बहुत सही,
हो गया। अच्छा वीडियो जो अब यहाँ से बंद होने वाला है और थोड़े बहुत खाने पीने वाले सीन्स दिखने वाले हैं। देखो सारे इंतज़ाम है, बस खाने का इंतज़ाम नहीं था क्योंकि समझ ही सकते हो कोविड का टाइम है और सब कोई मास्क में गलवा रहा हूँ वीडियो में, और कोई और देख लिया तो भाई कंप्लेंट कर देगा। देखो मास्क सब लोगों ने लगा के आया था, बस वीडियो में आने के लिए थोड़ा बहुत मास्क निकाल रहे थे। ओके ऐसी कोई खास वजह नहीं है। और आप मारेंगे क्या मुझे? सुना क्या इसने यार? नहीं नहीं नहीं, वॉइस डब कर रहा हूँ, कैसे सुनेंगे। सो फ्रूटी था, थोड़ा केक था और नमकीन था, और क्या जितना मैंने इंतज़ाम कर सका करा। एक तो यार लॉकडाउन चल रहा है मेरे यहाँ, ऊपर से 24 घंटा बारिश, और देन फिर मेरा केक भी नहीं आया जो पसंदीदा था। अब किसी तरह मैंने जो भी एडजस्ट करना था कर लिया, ठीक है। अब मैं इतना ही कर सकता, आपको ये मत कहना कि यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं और चिंदी गिरी अभी भी कर रहा है। ठीक है यार आ रहे हैं, बट अभी थोड़ा काम है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर। और यहाँ पर कुछ जगह मैंने म्यूट कर दिया, देखो अब यहाँ पर वो मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, ठीक है, मेरी बढ़ाई कर रहे थे, मेरे ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, इस सारे से समझ सकते हो। म्यूट इसलिए है क्योंकि किसी ने उसी में कॉपीराइट सॉन्ग चला दिया था, बारिश हो रहा था तो बारिश का माहौल वाला सॉन्ग था, न्यू लेटेस्ट, पता नहीं कोई उस किसी का यार हंस रहा था तो उसी की वजह से म्यूट करना पड़ेगा, वरना कॉपीराइट लगता तो भाई पैसे नहीं आ पाएंगे ना। पैसा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं झूठ बोलना मजाक कर रहा है, कॉपीराइट लग गया तो कहीं वीडियो ना डाउन हो जाए। सो यहीं तक मैंने रिकॉर्डिंग किया एंड इसके बाद ख़त्म, खल्लास, क्योंकि इसके आगे क्या करना था मुझे खुद नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्स, एंड इसी तरह हम लोग तरक्की करते रहें, एंड बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड टिल देन बाय बाय।